वेलकम टू मामी का मैजिक। मैं हूं अमृता रायचंद और आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस मैजिकल शो में। क्या आपको पता है, एक रिसर्च कहता है कि एक औरत का 80% टाइम किचन में जाता है। आई डोंट अग्री विद इट, पर रिसर्च है तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जब से मम्मी का मैजिक शुरू हुआ है, मुझे इतने सारे मेल्स आ रहे हैं औरतों के होम मेकर्स के, जो कहती हैं कि थैंक्स टू मम्मी का मैजिक, थैंक्स टू द क्विक इनोवेटिव रेसिपीज, उनका टाइम अब टोटली रिवर्स हो गया है। अब वो सिर्फ 20 मिनट किचन में स्पेंड करती हैं एंड बाकी का 80% दे स्पेंड विद देयर फैमिली, या वो करती हैं जो उन्हें पसंद है, घर से बाहर जाती हैं, काम करती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मेल एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट एनकरेजमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस शो। ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन आवर एपिसोड। दुनिया भर में कबाब्स तो बहुत ही फेमस है, हमारे स्पेशली हमारे इंडियन कबाब्स। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं हमारे कबाब्स खाने, तो ऐसा क्यों कि बच्चों के लिए कबाब्स ही ना बने? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मम्मी का मैजिक है ना, हम बच्चों के लिए भी बहुत एक्साइटिंग, बहुत मजेदार कबाब्स बनाएंगे। तो चलिए आज बनाते हैं किड्स कबाब। हम इसे बनाएंगे चिकन और टमाटर के साथ, एंड चिकन हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे इस तरह से। तो जब आपका चिकन घर पे आए, आप चिकन ब्रेस्ट ऑर्डर कीजिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत हाई होती है और फैट का लेवल बहुत कम होता है। तो बेसिकली सबसे हेल्दी फॉर्म ऑफ द चिकन एंड पार्ट ऑफ द चिकन इज द ब्रेस्ट ऑफ द चिकन। तो आप उसे ऑर्डर कीजिए और उसके छोटे छोटे ये बाइट साइज पीसेस काट लीजिए। एंड अब हम लेंगे एक बड़ा सा बोल और उसमें इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले आप चिकन को इस बोल में डालिए, फिर आप डालिए टमाटर। हम चिकन और टमाटर दोनों को मैरिनेट करेंगे, क्योंकि हम इस कबाब को थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। अब हम लेंगे थोड़ा सा नमक। मैरिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नमक, जो सबसे पहले जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से चिकन के अंदर, टमाटर के अंदर सोख हो जाए। ये हो गया नमक। फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पेपर, हल्का सा डालेंगे जस्ट फ्लेवर के लिए। एंड नाउ कम द मेन इंग्रेडिएंट, ये है सोया सॉस। इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। कबाब्स बेसिकली इंडियन होते हैं और सोया सॉस जो होता है वो चाइनीज इफेक्ट डालता है, पर क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट करके बना रहे हैं, ताकि बच्चों को ये एक्साइटिंग लगे, टेस्टी लगे। एंड अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हनी, थोड़े से मिठास के लिए। किसी भी चीज में मीठा हो तो बच्चों को वैसे ही पसंद आ जाता है। ये हो गया हनी, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो क्या क्या डाला है हमने? बहुत ही थोड़ी चीजें डाली हैं, सॉल्ट, पेपर, सोया सॉस एंड हनी। ओके, बस आपके पास अगर टाइम है और आपने पहले से इस डिश को प्लान करके रखा है तो आप इसे मैरिनेट करने के लिए आधे से एक घंटे तक रख सकते हैं। टाइम नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज इसका जो मैरिनेशन है वो अपने आप में ही इतना टेस्टी है कि आपको इसे बहुत देर के लिए मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले गैस ऑन कर देते हैं ताकि हमारा जो ग्रिलिंग पैन है वो गर्म होना शुरू हो जाए। और इसमें हम डाल देंगे तेल। ओके, तो जब तक ये गर्म होता है, तेल गर्म होता है, चलिए हम बना लेते हैं हमारे साटे स्टिक्स। ऑलराइट, नाउ वी आर गोना टेक दी स्टिक्स, इसे साटे स्टिक कहते हैं। इसमें हम पहले डालेंगे एक पीस चिकन का, इस तरह से उसके बीचों बीच आप डाल दीजिए। फिर हम डालेंगे एक पीस टमाटर का, एंड सेम वे एक और पीस चिकन एंड अनदर पीस टमाटो। देखने में भी बहुत क्यूट लगते हैं, राउंड राउंड टमाटोज विद लिटिल पीसेस ऑफ चिकन। बच्चे देखते ही इसे बहुत खुश हो जाएंगे। इन्हें आप इस तरह साइड में रख दीजिए और इसी तरह के आप बहुत सारे साटे स्टिक्स बना लीजिए। ये बन गए हमारे साटे स्टिक्स। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का पैन यूज कर रही हूँ। बेसिकली ये ग्रिल पैन है, इसे हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपको तो पता है कबाब्स यूजुअली तंदूर में ही बनते हैं। अब आजकल के घरों में कहाँ तंदूर की जगह और कहाँ टाइम तंदूर में पकाने का, इसलिए अगर आप ये पैन यूज करें तो आपको वो सेम चार ग्रिल इफेक्ट आएगा जो तंदूर में आता है। हाउएवर,
अगर आपके पास ये घर पे नहीं है तो आप इसे अवन में भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ एक रेगुलर पैन में भी फ्राई कर सकते हैं. सो नॉट टू वरी. ओके, तो ये तेल अब गर्म हो गया है. अब इसमें हम डाल देंगे हमारे प्यारे सारे स्टिक्स. चलिए इन्हें अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में. पहले एंड फिर इसे हम सर्व करेंगे टिफिन में. अब आप अगर चाहें तो स्टिक के साथ सर्व कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप स्टिक से बाहर निकाल के भी इन्हें टिफिन में डाल सकते हैं. ओके, ये है हमारा टिफिन एंड अब इसमें हम डालेंगे हमारे यमी किड्स कबाब्स. कबाब्स के साथ तो आपको पता है वेफर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप थोड़े वेफर्स डाल दीजिए एंड थोड़ा सा और इसे होलसम बनाने के लिए लेट्स ऐड सम फ्रूट्स. मैं फ्रेश स्ट्रॉबेरी, कटे हुए स्ट्रॉबेरीज डाल रही हूं. आप जो चाहें एप्पल, ग्रेप्स, जो आपके बच्चे को पसंद है आप डाल सकते हैं. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या डालें इसमें हम? होल्ड ऑन अ मिनट. इसमें हम डालेंगे रियल फ्रूट पा, बिकॉज़ विद रियल एट होम हेल्दी इज हैप्पी. ओके, तो ये हो गया हमारा यमी मजेदार टिफिन तैयार. ऑलराइट देन, द यमी डमी कबाब्स आर रेडी एंड इट्स रेडी टू गो इन द टिफिन. तो चलिए देख लीजिए इसका एक क्विक रीकैप. किड कबाब्स बनाने के लिए पहले एक बोल में कटे हुए दो चिकन ब्रेस्ट, 20 चेरी टोमेटोज, स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 छोटे चम्मच शहद डालकर अच्छे से मैरिनेट कर लें. अब गैस पर ग्रिलिंग पैन को थोड़े से तेल के साथ गरम कर लें. अब एक एक करके चिकन पीसेस को टमाटर के साथ मिलाकर साटे स्टिक्स में डाल लें. इन्हें ग्रिलिंग पैन में डालकर अच्छी तरह फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व करें.